हेलो दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता है कि आज 10th ऑफ मई है और आज है CBSE साइंस 10th क्लास का एग्जाम और आज हम बच्चों का लेने आए हैं रिव्यू। तो चलिए मिलते हैं बच्चों से। आपका नाम? निशा। एग्जाम कैसा था? टफ, इजी, लेंदी? लेंदी था लेकिन इजी था। लेंदी था लेकिन इजी था। अगर टर्म 1 के कंपेयर किया जाए तो टर्म 1 के कंपैरिजन में कैसा था? इजी था। सेक्शन हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से टफ कौन सा लगा आपको? ऐसे कोई पर्टिकुलर सेक्शन टफ नहीं था लेकिन हेरिडिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे बायो में, तो सेक्शन बी थोड़ा मुश्किल था। तो हेरिडिटी वाला पार्ट ज्यादा आ रखा था। हाँ। इजीली सॉल्व हो रहा था वो पार्ट। हाँ। ओके, सो कितने मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 35 अबव। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आपका नाम? अर्णव। कैसा रहा एग्जाम? मेरा सेट 2 था और एग्जाम काफी इजी था। जो टर्म 1 था उससे काफी कंपैरेटिवली बहुत इजी था। अच्छा, तीनों सेक्शन में से कौन सा इजी आया था? सेक्शन ए। सेक्शन ए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कौन सा था सेक्शन? वो आम केमिस्ट्री वाला मोस्टली। सबके लिए केमिस्ट्री इजी था कि कोई और भी थे? थोड़ा केमिस्ट्री मिलने मुश्किल था मेरे को। फिजिक्स इजी था सेट 1 में। बायो बहुत इजी। बच्चों ने बेसिकली जो पढ़ा उनको वो इजी लग रहा है। टर्म 1 के कंपैरिजन में देखा जाए तो कैसा था? टर्म 1 से ज्यादा डिफिकल्ट था, थोड़ा डिफिकल्ट था। टर्म 1 के कंपैरिजन में एग्जाम कैसा था हमारा? सही था। टर्म 1 ज्यादा इजी था। टर्म 1 ज्यादा इजी था। आपको क्या लगता है? 2 इजी लग रहा है। इजी था, इजी था। चलिए, और अगर मतलब अपने सोच से कि यार मार्क्स कितने आ सकते हैं, तो एवरेज मार्क्स कितने आ सकते हैं बच्चों के? 35 अबव आ सकते हैं। 35 अबव आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रो। आपका नाम? गौतमी। गौतमी, कैसा था पेपर? मीडियम मतलब इजी या टफ? मीडियम था। मीडियम था। या ओके। टर्म 1 के कंपैरिजन में कैसा था? टर्म 1 के कंपैरिजन में आई थिंक सो बेटर था इस बार। बेटर मतलब सबको टर्म 2 इजी लग रहा है, इट इज बिकॉज़ कि सब्जेक्टिव था, कुछ भी लिख करके आ सकते थे अपने? आई थिंक सो। ओके, सो तीन सेक्शन थे अपने पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कौन सा सेक्शन ज्यादा इजी लगा? अकॉर्डिंग टू मी केमिस्ट्री ज्यादा इजी था। या ओके, सो कितने मार्क्स हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों के आने चाहिए या आ सकते हैं? आई थिंक सो काफी ओके, 30 अबव आ सकते हैं। आ सकते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति। ओके, सो आपका नाम? अनुज यादव। यश, कैसा था एग्जाम? मीडियम, इजी, टफ? इजी था। हां, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? हाँ, मतलब तैयारी करी थी, ठीक ठाक हो गया, ठीक ठाक बढ़िया गया, आराम से चिल है पूरे। टर्म 1 के कंपैरिजन में कैसा था? टर्म 1 के कंपैरिजन में ये इजी था। मेरे लिए टर्म 1 ज्यादा आसान था, कुछ नहीं करना था, टिक 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 हो गया, खत्म। अच्छा, कौन सा सेक्शन ज्यादा डिफिकल्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? फिजिक्स का थोड़ा ट्रिकी था, उसमें टाइम ज्यादा लगा, वरना बाकी सब इजी था। हाँ, फिजिक्स मेरे लिए फिजिक्स ही सेम, थोड़ा सा मुश्किल था बट बाकी सब आसान था। और सबसे आसान कौन सा था? सबसे आसान केमिस्ट्री था मेरा, बायो। हाँ, बायो। ओके ओके, सो कितने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों के एवरेज मार्क्स आ सकते हैं? मेरे तो 38 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, अबव, बाकी 35 मेरे तो आ जाएंगे सबके, 33-32 तक तो। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने देखा कि बच्चों के कैसे रिव्यूज थे, उसी तरीके से अब और भी एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आगे भी आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते रहेंगे।